रिम्स निदेशक के बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्टिंग के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एम्स के पेइंग वार्ड कमरा नंबर 11 में रह रहे लालू प्रसाद यादव को त्रिस्तरीय सुरक्षा मिली है। इसमें पहले स्तर की सुरक्षा पेइंग वार्ड के मेन गेट पर है, दूसरी सुरक्षा वार्ड के भीतर और सुरक्षा का तीसरा घेरा उनके कमरा 11 के पास लगाया गया है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद जब कमरे के बाहर टहलने निकलेंगे तो उनके चारों ओर सुरक्षा तैनात रहेगी ताकि कोई बाहरी व्यक्ति ना मिल सके। लालू यादव की सुरक्षा की कमान डीएसपी स्तर के अधिकारियों को दी गई है। समय समय पर रांची के एसएसपी और एसपी उनकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। लालू प्रसाद की सुरक्षा में 3 दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता हैं। बीते दिनों कोर्ट ने उनकी जमानत पर तारीख आगे बढ़ा दी थी। वहीं लालू प्रसाद की एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद उन्हें पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनके खिलाफ चारा घोटाले से संबंधित 5 मामले झारखंड में चल रहे हैं। 4 मामलों में से सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है। 5वां मामला डोरंडा कोषागार के संबंधित है और इसकी सुनवाई अभी सीबीआई कोर्ट में चल रही है। जिन 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा मिली है उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। इनमें से 3 मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।